डबल मर्डर की दर्दनाक दास्तां। बद से बदतर बन चुकी है हमारी कानून व्यवस्था। जी हाँ, सुबह उत्तर प्रदेश कत्ल की वारदातों से रंगा पड़ा है। पुलिस की डायरी अपराधियों के कारनामों से भरी पड़ी है। फिलहाल बात गाजियाबाद की हो रही है, जहां जुर्म कभी लूट की शक्ल अख्तियार कर दस्तक देता है तो कभी बलात्कार बनकर खौफ पैदा कर रहा है। मगर हमारी पुलिस गुनाह की हर इबारत के बाद लकीर की फकीर बनकर रह जाती है। ताजा वारदात डबल मर्डर की खौफनाक दास्तान से जुड़ी है। ये एक लेडी है, इनका नाम है श्रीमती गिरजा और उनका बेटा है, उसका नाम है एस कुमार। ये इन दोनों के शव पुलिस को यहाँ राजनगर क्षेत्र से बरामद हुए हैं। पुलिस को भी कुछ देर पहले पता लगा कि एक घर है, उसके अंदर बाहर से कुंडी लगी हुई है। किसी ने आके जब चेक किया तो इन दोनों के शव पुलिस को मिले हैं। पुलिस अभी पड़ताल कर रही है और प्राइमा फेसी लूट जैसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इन दोनों का मर्डर किया गया है, इनका भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जी हाँ, जिस मकान के बाहर खड़े होकर एसएसपी साहब डबल मर्डर से जुड़ी वारदात की तस्दीक कर रहे हैं, वो एक पॉश इलाका है। गाजियाबाद का पॉश इलाका राजनगर, आसपास डीएम और एसएसपी आवास, मगर बावजूद इसके जुर्म ने दस्तक देकर सनसनी फैला दी। जी हाँ, थाना कविनगर के राजनगर इलाके का ये मकान दोहरे हत्याकांड का गवाह बना है। श्रद्धालु R16/52, अंदर पुलिस, बाहर पुलिस, ऊपर पुलिस, नीचे पुलिस, लाओ लश्कर के साथ एसएसपी साहब ने भी हाजिरी लगाई है। तस्वीर देखी, बुजुर्ग महिला का नाम गिरिजा है और साथ दिख रही तस्वीर इनके बेटे एस कुमार की है। तारीख 7 फरवरी 2013, रात के तकरीबन 9 बजे। पुलिस की माने तो वारदात के वक्त रिटायर्ड टेलीकॉम ऑफिसर एस कुमार और उनकी मां गिरिजा घर पर ही मौजूद थे। कातिल का इरादा लूटपाट नहीं था, बल्कि मकसद था मां बेटे का कत्ल करना और फिर किसी धारदार हथियार से दोनों का कत्ल कर कातिल फरार भी हो गया। एसएसपी साहब का कहना है कि घर से किसी भी तरह का कोई सामान नहीं लूटा गया है। फेसी अभी पुलिस सभी तथ्यों की छानबीन कर रही है। प्रॉपर्टी ओरिएंटेड मैटर्स हैं क्या, इनकी कोई रंजिश ओरिएंटेड अगर कोई मैटर्स होंगे उनको भी देख रही है पुलिस, और भी सभी मैटर्स देख रही है। मर्डर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक चाकू है, चाकू के थ्रू मर्डर किया गया है, थ्रोट स्लिट किया गया। तो वर्कआउट करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे। रात को करीबन 8, 8:30, 9 बजे किसी आदमी से इन महिला के द्वारा बात की गई है, जैसा बताया गया है। तो घटना कल रात 9 बजे के बाद की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, साथ ही दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस के लिए डबल मर्डर की वारदात का जल्द खुलासा करना एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर महकमे की नाक बचाना एक बड़ा मुद्दा जो है। अब देखना है कि पुलिस कब तक दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर कातिल का चेहरा बेनकाब करती है। बद्यु जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। डबल मर्डर की वारदात के बाद गाजियाबाद पुलिस ने चैन की सांस भी नहीं ली थी और तभी साहिबाबाद में एक कार सवार युवक को मौत की नींद सुला दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, खून का दरिया बहा और थर्रा उठा शहर गाजियाबाद। फिर चली गोलियां, छलनी हुआ जिस्म, थर्रा उठा शहर गाजियाबाद। एक शख्स की हत्या से मचा
कोहराम। गाजियाबाद का अभय अस्पताल, जहां काफी तादाद में चहलकदमी जारी है, हर चेहरे पर खामोशी की लकीर साफ दिख रही है। मामला ही कुछ ऐसा है जो कानून के मुहाफिजों ने अस्पताल में हाजिरी लगाई है। हम कुछ और बयां करें उससे पहले जरा ऑल्टो कार पर भी मुख्तसर एक नजर डाल लीजिए। कुछ देख रहे हैं शीशे पर एक बड़ा सुराग जो उस वारदात की हकीकत को साफ बयां कर रहा है, जिसकी दस्तक से पुलिस महकमा हलकान है। कार में सवार युवक की हत्या कर दी गई है। एसपी सिटी मृतक के परिजनों से सवाल जवाब में जुटे हुए हैं। कागजी कार्रवाई की जा रही है। पता करना था कि इतना टाइम हो गया इनका कवर क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, क्या हुआ था? उनका पहले 17 जनवरी 2013 को गोली मारी गई थी। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने मारा? जिसने मारी थी घनश्याम उर्फ अनु, पापा का नाम चतुर्वेदी। हमारी उन्होंने रंजिश बना रखी है पिछले 5 अगस्त 2013 से। क्या है रंजिश? रंजिश की वजह तार को लेकर कोई रंजिश बनाई है उन्होंने हमसे। तार की तार के तार को। साहिबाबाद के रहने वाले ओमवीर की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। तफ्तीश के दौरान ओमवीर के बेटे ने वो सारे राज बयां किए जिसका शिकार ओमवीर हुआ है। मसलन ओमवीर की हत्या रंजिश में अंजाम दी गई है। पानी के ट्यूबवेल पर लगे तार और ट्रांसफार्मर को लेकर ओमवीर का विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी ओमवीर पर हमला हो चुका था, जिसमें ओमवीर के परिवार का एक सदस्य मार दिया गया था। इस हत्याकांड में 3 लोग नामजद हैं, जो अभी भी जेल में हैं, जिसमें देवेंद्र चतुर्वेदी और घनश्याम हैं। ओमवीर पर दूसरी बार तब हमला हुआ जब अपने इलाज के सिलसिले में अस्पताल जा रहा था। रास्ते में घात लगाए बदमाशों ने उनकी कार पर एक के बाद एक फायरिंग करना शुरू कर दी। गोली लगते ही ओमवीर ने दम तोड़ दिया। सत्रह जनवरी को ओमवीर को घनश्याम, जो चतुर्वेदी का लड़का है, उसने फिर गोली मारी। उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप जो मर्डर का मुकदमा है मुकदमा वापस ले लीजिए, ये तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके पश्चात ये जेल गया, घनश्याम नामजद था। जेल से छूटने के बाद देवेंद्र, बलराम और एक व्यक्ति अन्य ने 10 बजे अम्बे अस्पताल के पास ओमवीर को गोली मार दी। इनकी अस्पताल ले आते समय मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पहले से जेल में बंद आरोपी ओमवीर पर दबाव बना रहे थे कि ओमवीर मुकदमा वापस ले ले, लेकिन ओमवीर मान नहीं रहा था, जिसका खामियाजा ओमवीर को अपनी जिंदगी से चुकाना पड़ा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में ये खबर दिखाने से पहले आपसे एक सवाल, इंसान किस हद तक गिर सकता है? जज्बात किस हद पर जाकर इंसान का साथ छोड़ देते हैं? क्योंकि आगरा की जिस खबर से आप वाकिफ होने वाले हैं वो आपकी रूह फना कर देगी। एक चाचा की दरिंदगी देखकर और सुनकर आपके होश फाकता हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। एक पिता तड़प रहा है, एक माँ बदहवास है, रिश्तेदार गमजदा है, बस एक दूसरे को ढांढस बंधाने और सहारा देने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। दिल दहला देने वाला ये मंजर आगरा के जिला अस्पताल के बाहर का है। सदमा इन पर इस कदर हावी है कि उठते बैठते बस एक ही बात याद आ रही है। चलिए इस मातमी माहौल की वजह से आपको रूबरू करवाया जाए। स्कूल के इस आइडेंटिटी कार्ड पर एक नजर डालिए।
अंजलि बघेल क्लास सेकेंड, बिलखते परिवार की मासूम लाडली 8 साल की एक बच्ची जो इस वक्त जिला अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच फंसी है। घर छोड़कर परिवार इस उम्मीद के साथ आया है कुछ तो बच जाए, क्योंकि आंसुओं के सैलाब के बीच ये परिवार जिस लाडली की सलामती की दुआ मांग रहा है, उसके दो भाई इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, अंकित और राहुल। जी हाँ, अंजलि की हालत और अंकित राहुल की मौत का जिम्मेदार एक ही शख्स है, जिसने अपनी लालच की तलवार के आगे ढाल इन मासूमों को बनाया और फिर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परिवार की खुशियां कर दी तबाह। एक कलयुगी चाचा, जो चाचा है तारा, वो कल उसको स्कूल से मेला दिखाने के बहाने लाया था, आज उसने यहाँ पर आकर के हमारे दोनों भाइयों को गला दबा के मार दिया और उसके ऊपर भी प्रहार किया। सुना एसपी साहब क्या बयान दे रहे थे? आगरा के जगदीशपुरा के रहने वाले देवीराम के मासूम तीनों बच्चे स्कूल गए थे। परिवार के साथ साथ बच्चे भी इस बात से खबर कि उनका चाचा दरिंदा बनकर उनकी जिंदगी खत्म कर देगा। ताराचंद नाम का कलयुगी चाचा अंकित, राहुल और अंजलि की छुट्टी होने के बाद अपने साथ ले आया। इलाके के जोशी रिपोर्ट के पास लाकर राहुल अंकित की हत्या कर दी और अंजलि पर जानलेवा प्रहार किया, मगर अंकित और राहुल बहन अंजलि की तरह किस्मत वाले नहीं थे। दोनों की मौत हो गई और अंजलि तड़पती रही। वारदात अंजाम देकर शैतान ताराचंद फरार हो गया। वारदात के तरह रास्ते से गुजरते एक राहगीर ने पुलिस को दी। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, शिनाख्त हुई और फिर कोहराम मच गया, मगर पुलिसिया पूछताछ के दौरान वजह का खुलासा भी कम चौंकाने वाला नहीं था। जो देवी सिंह का भाई था, उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी और वो अपनी शादी की बात कर रहा था और ये भी कह रहा था उसका हिस्से का जो घर और जमीन है वो दिया जाए उसे। वारदात से इलाके में कोहराम मचा है, इलाके के लोग सन्न हैं। शादी की ख्वाहिश और जमीन का बंटवारा ताराचंद को इन मासूमों से ज्यादा प्यारा था। बस बड़े भाई से चल रही कहासुनी का बदला उस दरिंदे ने मासूम भतीजों और भतीजी से निकाल लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ताराचंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। परिवार मासूम बच्चों की मौत से बदहवास है, लेकिन ये वारदात साबित करती है कि इंसान पर लालच का भूत सवार हो तो फिर गुनाह कब दस्तक देता है पता ही नहीं चलता। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे महिला दिवस के दिन बरेली की एक महिला का सनसनीखेज खुलासा। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रू केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी एट वृंदावन। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली
चुली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आज ली क्या?